नमस्कार दोस्तों, आज ये सीरीज का अंतिम लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर बस एक छोटा सा टॉपिक रहा है, एकांतर श्रेणी। इसमें से छोटा जरूर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर बोला था कि केवल मात्र एक क्लास के अंदर ही इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक ही टेस्ट है इसके अंदर, लेबनीज परीक्षण, और एक क्वेश्चन आपका तुरंत प्रभाव से देखेंगे एग्जाम के अंदर। वाह भी वाह, एक क्वेश्चन तैयार है। तो इससे एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म बनने वाला है आज की क्लास के अंदर, अभी मैं बता देता हूँ। और छोटी सी 15-20 मिनट का ये आपका लेक्चर होने वाला है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। इसके बाद हम रीमान इंटीग्रल करेंगे, वो एक दो क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी रियल एनालिसिस कंप्लीट। और जो आगे बुकें आएंगी उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 5-5, 6-6 क्लासेस के अंदर वो सारी बुकें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इसके नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, टॉपिक का नाम है एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी जिसे अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज इंग्लिश के अंदर। और इसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी? कि वह श्रेणी जिसके जो पद हैं वो एकांतर रूप से धन तथा ऋण हो। यानी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वह श्रेणी जिसके पद एकांतर रूप से धन तथा ऋण हो, यानी धनात्मक तथा ऋण हो, एक ही बात है, ऋण हो, क्या कहलाएगी? एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि अर्थात आप एग्जाम्पल के अंदर लेंगे कि इस प्रकार आपके पद हो U1 माइनस का U2 प्लस का U3 माइनस का U4, और ऐसे ही ये आपकी बढ़ती जाए और लास्ट में कहाँ तक ये जाएगी कि माइनस का 1 की पावर n-1। यानी ये सम संख्या है, जिस प्रकार यानी एक एक मान रख रहे हैं उस हिसाब से आपके धन तथा ऋणात्मक वैल्यूज आपकी आती जाएंगी, और आप इसे U1 से व्यक्त कर देंगे। जो भी पद आएंगे n बराबर 1 रखेंगे, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर जो U1 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और n है, n आपका कहाँ से बिलोंग करेगा तथा n प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करेगा, ये आपको पता है, नॉर्मल चीज़ है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल भी इसका लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस का 1/3 प्लस का 1/5, ऐसी कोई सीरीज चलेगी वो क्या होगी? आपकी एकांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ये तो रही इसकी बात डेफिनेशन की। अब इसमें आप एकांतर श्रेणी के अंदर अभिसरण की जांच कैसे करेंगे, उसके लिए आपका एक टेस्ट है, लेबनीज परीक्षण। केवल मात्र एक ही टेस्ट है एकांतर श्रेणी के अंदर। आपने सीरीज के अंदर बहुत सारे टेस्ट पढ़े थे, एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा, फिर द्वितीय तुलना परीक्षण पढ़ा, फिर लॉग वाला आपने डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ा, फिर आपने लॉगरिथम पढ़ा, फिर आपने गॉस परीक्षण पढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे आपको कोसी वाला मूल सिद्धांत वो भी पढ़ा, तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर पढ़े, उससे आपने रिजल्ट निकाला कि किससे बनेगा। लेकिन इसके अंदर केवल मात्र एक टेस्ट होगा एकांतर श्रेणी से संबंध में, कौन सा? लेबनीज परीक्षण, और उसी से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह आप अच्छे से लिख लो, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं, लिख लो तब तक, फिर आगे बढ़ते हैं। लेबनीज परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लेबनीज परीक्षण के बारे में। लेबनीज टेस्ट, हिंदी में बोलेंगे तो लेबनीज परीक्षण। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, किसी को भी इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, लेबनीज टेस्ट या
कहेंगे लेबनीज परीक्षण क्या होता है। सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर मुख्यतः ये बताएगा कि एकांतर श्रेणी आपकी अभिसारी होगी या नहीं होगी। तो इसके अंदर तीन आपकी शर्तें होंगी, तो वो तीनों शर्तें आपकी पालन करती हैं तो लेबनीज परीक्षण से वो आपकी सीरीज है वो अभिसारी हो जाएगी, अगर नहीं करती है तो वो अपसारी हो जाएगी, बस बात खत्म है। नंबर एक, तो सबसे पहले तो आपके पास जो श्रेणी की जांच कर रहे हैं केवल मात्र ये एकांतर श्रेणी पर ही लागू होगा। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो दी गई श्रेणी है आपके पास, दी गई श्रेणी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि वो आपकी एकांतर श्रेणी हो। और जो दूसरी कंडीशन है यानी प्रत्येक जो पद है, यानी जो पद आ रहे थे U1 माइनस U2 आप कर रहे थे, वो संख्यात्मक रूप से यानी जो पद है वो अपने पूर्व पद से छोटा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपकी श्रेणी है वो संख्यात्मक रूप से हरात्मक होनी चाहिए। संख्यात्मक रूप में यानी ऐसे तो इसके अंदर एक पद प्लस का होगा एक पद माइनस होगा, तो उन माइनस प्लस को छोड़कर यानी वो जो संख्या वैल्यू है यानी एक है फिर उसके बाद एक बटा दो है, तो वो संख्यात्मक आपको देखना है। तो संख्यात्मक रूप से वो श्रेणी आपकी हरात्मक होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी किसकी, लेबनीज परीक्षण से जांच करने की। बस केवल मात्र ये तीन आपकी जांचें हैं। तो देखो दूसरी जो बात है वो क्या कहता है कि प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में अपने पूर्व पद से छोटा हो। क्या हो रे छोटा हो। थोड़ी सी थ्योरी टाइप है, बाकी लैंग्वेज आपको याद रखनी है, यानी छोटा होना चाहिए क्योंकि एक आवश्यक कंडीशन है। तो आप कह सकते हैं अर्थात जो आपका U1 है वो क्या हो, बड़ा होना चाहिए अगले पद से U1 n प्लस वन। एक ही बात है ना, ये n प्लस वन वा पद U1 से छोटा है, तो यानी n कहाँ से बिलोंग करेगा, जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर से। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी और लास्ट जो कंडीशन है वो कहती है कि अगर आप U1 के अंदर लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी U1 लगाएं, तो उसका मान जीरो आना चाहिए। तो जो आपने श्रेणी ली है, तब जो श्रेणी आपने ली है कौन सी, माइनस वन की पावर एन जो आपने सीरीज ली है वो आपकी क्या हो जाएगी, एन माइनस वन U1 अभी सारी होगी। दोबारा सुन लो क्या क्या कंडीशन है। और एक आपको लास्ट में एक चीज बता दूं, अभी ये जस्ट ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। देखो सबसे पहला काम लेबनीज परीक्षण किसके काम आएगा, एकांतर श्रेणी के अभिसरण की जांच करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन होगी कि एकांतर श्रेणी ये होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर लेबनीज टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर दो बात, प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में अपने पूर्व पद से छोटा होना चाहिए, यानी संख्या की दृष्टि से छोटा होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट कंडीशन है कि जो आपका लिमिट लगाएं U1 बराबर वो जीरो आना चाहिए। ये रही बात आपके लेबनीज परीक्षण की। तो देखो ऐसा सभी के अंदर जो श्रेणी होगी अगर वो इस प्रकार संख्यात्मक मान से अपने पूर्व पद से है, जो एकांतर श्रेणी है मुख्यतः या सामान्यतः आप कह सकते हैं कि वो अभिसारी श्रेणी ही होगी। सामान्यतः कह सकते हैं कि वो श्रेणी सामान्यतः लगभग 90-99% चांसेस कह सकते हैं कि वो आपकी एकांतर श्रेणी है, तो वो हमेशा अभिसारी होगी। तो अभिसारी चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। लेकिन अगर ये U1 बराबर नोट जीरो आ जाता है तो क्या होगी, ये दुलायमान हो जाएगी आपकी श्रेणी, ठीक है। लिख लो इसको, एक लाइन वो लिख लेना भी, क्या है, एकांतर श्रेणी सामान्यतः अभिसारी होती है, यानी जो भी एकांतर सीरीज होगी वो सामान्यतः अभिसारी होगी। अब इसके कुछ प्रकार पढ़ते हैं कि निरपेक्ष अभिसारी क्या होता है, सापेक्ष अभिसारी सीरीज क्या होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लिख लो फटाफट इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताएं कि ये जो आपकी एकांतर श्रेणी है वो निरपेक्ष अभिसारी है या सापेक्ष अभिसारी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि वो निरपेक्ष अभिसारी होगी या सापेक्ष अभिसारी होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दो चीजें हैं, देखो बात करते हैं निरपेक्ष अभिसारी
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी आपके पास एकांतर श्रेणी है और एकांतर श्रेणी मैंने आपको बता दिया कि अभिसारी होनी चाहिए। तो अगर वो सीरीज आपकी सबसे पहले कि आपने कोई एकांतर सीरीज ली है वो आपकी क्या है, अभिसारी है, अभिसारी है, तो ये जो श्रेणी है तो यह श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। होगी यदि यदि आप देखो जो सीरीज है उसका मपांक लेते हैं, जो अंतिम पद है उसका आप मपांक ले रहे हैं सीरीज का, अगर वो भी अभिसारी है तो, वो भी अभिसारी है, यानी बात समझे क्या, यानी ये सबसे पहले तो आपके पास ये सीरीज अभिसारी होनी चाहिए, एकांतर श्रेणी जो भी दे रखी है अभिसारी है, ठीक है बात। अब बात करते हैं निरपेक्ष अभिसारी की, तो वो निरपेक्ष अभिसारी होगा जब यदि आप इसका मपांक लेंगे, जो आपको सीरीज दे रखी है उसका मपांक लेंगे और मपांक लेने के बाद भी वो सीरीज अभिसारी ही रहती है, तो वो ऐसी जो सीरीज है वो निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगी, समझ गए बात को। दूसरी है आपकी सापेक्ष अभिसारी, सापेक्ष अभिसारी जिसे कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंट, सापेक्ष अभिसारी, निरपेक्ष अभिसारी और सापेक्ष अभिसारी। अब देखो ये तो आपकी अभिसारी हो, यानी जो सीरीज आप ले रहे हैं U1 तो अभिसारी है, अभिसारी हो, लेकिन इसका मपांक लें वो अभिसारी ना हो, डेफिनेशन सीधी सी है ना, अभिसारी ना हो, तो ऐसी सीरीज है वो क्या कहलाएगी, सापेक्ष, सिंपल सी बात है, मपांक लें वो आपका अभिसारी भी आ रहा है तो निरपेक्ष हो जाएगी, अगर वो मपांक लेने के बाद नहीं आ रहा है उसका रिजल्ट, जो आप मपांक लेंगे वो अभिसारी नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी सीरीज को क्या कहेंगे, सापेक्ष अभिसारी कहेंगे। दोनों को लगाकर इंपोर्टेंट लिख लो, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, कोई इसके अंदर डाउट ही नहीं है, इंपोर्टेंट लगा दो 2022 के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन करते हैं और एक एक चीज हम चेक करेंगे कि कौन सी सीरीज आपकी अभिसारी है, कौन सी अभिसारी निरपेक्ष अभिसारी है, कौन सी सापेक्ष अभिसारी है, दोनों चीजें हम चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस एक दो क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के, पूरा कंप्लीट हो गया है आपका ये टॉपिक। और यकीन मानिए कि जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है उस तरह आपने भी पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो मैं कह सकता हूं कि आप 4-5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन कन्फर्म है इस बुक में से, 5 क्वेश्चन में से आप लगभग सही कर सकते हैं, यानी अच्छे से तैयारी करेंगे तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लगभग सही कर दोगे अगर आप बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100%, क्योंकि इससे चीज़ें कुछ बाहर नहीं जाएंगी, चीज़ें यहीं आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन देखो एग्जाम के अंदर कैसा पूछा जाएगा, आपको दे दे 1 1-2, सबसे पहले तो चेक करना है 1/3 - 1/4 प्लस, ऐसे ही ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब बतानी है कि ये सीरीज आपकी निरपेक्ष अभिसारी होगी, सापेक्ष अभिसारी होगी, क्या होगी, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहला काम अब इसके अंदर क्या करना है, देखो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये लेबनीज परीक्षण हम लगा रहे हैं, देखो लेबनीज परीक्षण, लेबनीज परीक्षण, तो सबसे पहले तो उसके अंदर एकांतर श्रेणी होनी चाहिए, क्या एकांतर रूप से प्लस माइनस है, जी बिल्कुल एकांतर श्रेणी तो है, नंबर एक कंडीशन एकांतर श्रेणी है। दूसरी चीज कि एकांतर श्रेणी होने के साथ जो पद है अपने पूर्व पद से छोटा होना चाहिए, यानी यहां देखो एक एक आ रहा है मान, पहला पद एक है, दूसरा पद क्या है 1/2 यानी छोटा है, तीसरा देख सकते हैं 1/3 ये भी छोटा है, तो यानी लगातार इसके पद घट रहे हैं, यानी ये आपकी हरात्मक श्रेणी होगी, तो लिख सकते हैं आप दी श्रेणी क्या है, दी श्रेणी हरात्मक श्रेणी है, ठीक है। देखो यहां पर एकांतर श्रेणी है वो आपकी धनात्मक श्रेणी थी, इस वजह से आपने वो लगा रहे थे इसके अंदर, अब ये सारे मान अगर पॉजिटिव हो जाएं इसके तो आप वापिस वही जो आपने रूल पढ़े हैं वो आप वापिस लगा सकते हैं, जो पहली आपकी, देखो अब ये प्लस हो गया,
ये आपने प्लस कर दिया, इसका मापांक ले लिया सभी का, तो ये सीरीज किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपने सामान्य श्रेणी पढ़ी थी, तो उसमें उनमें से कोई टेस्ट लेकर आपको चेक करना पड़ेगा। फिर देखो नंबर तीन पर अगर आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो देखो लास्ट में एक बटा एन आएगा, एक बटा एन आएगा। यहाँ पर लगाएंगे तो यू वन के अंदर लगाएंगे एक बटा एन, लिमिट लगाई एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो, जीरो आया है। तो ये सीरीज क्या है आपकी, तो यह अभिसारी है, ये तो आपने चेक कर दिया। अब चेक करना है निरपेक्ष अभिसारी है या फिर सापेक्ष अभिसारी है। नंबर एक चेक करते हैं अपन, देखो सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जो एकांतर श्रेणी है वो अभिसारी होनी चाहिए, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि सामान्यतः जो एकांतर श्रेणी होगी वो आपकी अभिसारी होगी, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन इसका मापांक लेकर, मैंने कहा था ना मापांक लेना है, अब मापांक लेंगे तो देखो क्या आएगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, एक बटा दो प्लस एक बटा तीन सारे पॉजिटिव आएंगे, एक बटा चार प्लस एक बटा पांच सारे ऐसे ऐसे आएंगे, इस प्रकार सीरीज बन गई। अब देखो ये किसका रूप बन गई, आपने एक श्रेणी पढ़ी थी हाइपर हार्मोनिक, जिसमें वन अप वन की पावर पी, टू की पावर पी, सब में देख सकते हैं एक एक पावर है सभी की, तो यानी आप देख सकते हैं ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज आपकी बन चुकी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बन चुकी है, जिसके तहत पी का मान क्या आया है, पी का मान वन है, और उसमें क्या होता है पी का मान ग्रेटर देन वन है तो वो अभिसारी होती है, लेकिन अगर पी का मान लेस देन वन होता है या इक्वल वन होता है तो वो श्रेणी आपकी अपसारी श्रेणी कहलाएगी। लेकिन हमने निरपेक्ष के लिए पढ़ा था कि अगर वो निरपेक्ष अभिसारी होगी कि इसका मापांक की जो श्रेणी आए वो भी अभिसारी हो, लेकिन अगर वो अपसारी आती है तो ये फिर निरपेक्ष नहीं होगी, कौन सी होगी, ये सापेक्ष अभिसारी होगी, कौन सी होगी, सापेक्ष अभिसारी, समझ में आ गया, सापेक्ष अभिसारी होगी, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और भी अच्छे से आप समझ जाओगे, लिख लो इसको, दी गई श्रेणी क्या है ऐसे पूछेगा कौन सी होगी, तो सापेक्ष अभिसारी है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, अब देखो एकांतर श्रेणी है वो अभिसारी होगी, आपको याद रखना है, अब ये हर चीज में ये चेक नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसका मापांक लेना है और फिर उसको चेक करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं, अब बार बार ये चेक नहीं करना आपको, अभिसारी होगी अपसारी होगी डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो, श्रेणी दी है आपको, श्रेणी दो माइनस का तीन बटा दो स्क्वेयर प्लस चार बटा तीन स्क्वेयर प्लस का माइनस 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 का पांच बटा चार स्क्वेयर, और ऐसे ही ये आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले देखो एकांतर श्रेणी है, एकांतर श्रेणी है तो ये अभिसारी होगी, ठीक है, बात खत्म है, एकांतर श्रेणी अभिसारी होती है, लिख सकते हैं एकांतर श्रेणी अभिसारी होती है, ठीक है। तो अब क्या चेक करना है, एकांतर श्रेणी अभिसारी है तो इसके बाद आपको डायरेक्ट इसका अनुवा पद निकालकर उसके अंदर लिमिट रखनी है, ठीक है। यानी सबसे पहले तो आपको इसका, अब ये तो अभिसारी तो होगी, अब निरपेक्ष अभिसारी और सापेक्ष अभिसारी निकालना है, तो निरपेक्ष अभिसारी के लिए सबसे पहले आपको इसका यू वन है का मापांक लेंगे, मापांक लेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, तीन बटा दो की स्क्वेयर प्लस का चार बटा तीन की स्क्वेयर प्लस पांच बटा चार की स्क्वेयर प्लस प्लस ऐसे ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप एनवा पद निकाल सकते हैं, एनवा पद क्या आएगा, देखो दो तीन चार पांच ऐसे बढ़ रहा है, नीचे इसके एक स्क्वेयर लिख सकते हैं, दो तीन चार पांच ऐसा ये बढ़ रहा है, तो यानी एक पद आपका अधिक है, तो यानी एन प्लस वन, नीचे देखो क्या आएगा, एक स्क्वेयर दो स्क्वेयर तीन स्क्वेयर एन स्क्वेयर, बोलो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो सबसे पहले एन का भाग देना है, तो वन प्लस वन अपॉन एन और साथ में एक आपका नीचे एन भी आएगा, तो इसके कारण ये क्या बनेगा, अगर इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये बन गया जीरो। अब जीरो बनता है, देखो ये धनात्मक श्रेणी होगी और जीरो बनता है तो आप कहते हैं, देखो टेस्ट याद है ना वो पुराने वाले, जीरो बनता है तो या तो अभिसारी होगी, अभिसारी व अपसारी हो सकती है। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, एक सहायक श्रेणी मानते हैं, याद होगा v बराबर एक बटा n सहायक श्रेणी होगी, कैसे मानते हैं ये मानते हैं आप कि जो पार्ट आपका जीरो बना रहा है, जीरो कौन सा, ये n बना रहा है, तो ये सहायक श्रेणी आपकी होगी, और सहायक श्रेणी के तहत देखो एक बटा एन है तो पी का मान क्या है, बराबर वन, और पी का मान वन है तो ये क्या हुआ, लेस देन इक्वल वन वाली कंडीशन होगी, जिसके तहत ये अपसारी होगी, अभिसारी तो नहीं हुई, अपसारी होगी, अपसारी होगी तो आप कह सकते हैं ये निरपेक्ष होगी क्या, नहीं होगी, ये सापेक्ष अभिसारी होगी, ठीक है, ये सापेक्ष अभिसारी होगी।
एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, लिख लो इसको। एक क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, फिर टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है देखो, आपको सीरीज दी है इस प्रकार, एक बटा एक डॉट दो माइनस का एक बटा तीन डॉट चार प्लस का एक बटा पाँच छः, और ये ऐसे माइनस की आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले एकांतर श्रेणी है, और एकांतर श्रेणी है तो ये अभिसारी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको चेक भी नहीं करना है। लिख सकते हैं एकांतर श्रेणी अभिसारी होती है। अब आपको चेक करना है निरपेक्ष अभिसारी और सापेक्ष अभिसारी। तो पहले आपको इसका मापांक निकालना पड़ेगा, उसके लिए तो मापांक निकालेंगे, एक बटा दो सारे प्लस में आ जाएंगे, और प्लस में आते ही ये सारा आपका उस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा जो आपने पहले पढ़ा था, पहले जो सीरीज धनात्मक सीरीज पढ़ी थी उनके लिए जो रूल पढ़े थे, वो सारे उन रूल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ से आप यून का मान निकाल सकते हैं। यून का मान देखो क्या आएगा, एक एक पद को देखो अलग अलग, एक है तो सभी में ऊपर एक आएगा, एक तीन पाँच, यानी देखो विषम संख्या है, और इसका तरीका मैं बताया था विषम संख्या है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, टू एन माइनस वन होगा, या फिर आप अनवा पद निकाल सकते हैं, दो चार छः, यानी ये क्या है सम संख्या, दो चार छः, तो यानी यहाँ पर आएगा टू एन, ठीक है। यू निकालने के बाद आप इसमें से एन कॉमन लेते हैं, फिर लिमिट लगाओगे, तो लिमिट लगाएंगे दो माइनस का एक बटा एन, और यहाँ से एक एन आएगा तो दो एन स्क्वेयर। अब इसके अंदर लिमिट लगानी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू एन स्क्वेयर माइनस दो माइनस एक बटा एन। अब देखो इसका मान कितना आएगा, एन है, एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यानी जीरो आएगा, और जीरो मान आ गया तो या तो ये अभिसारी हो सकती है, अपसारी हो सकती है। इसके लिए आपको एक सहायक श्रेणी वीएन माननी पड़ती है। तुम्हारा सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी वी एन क्या है आपके पास, देखो कौन सी माननी है जिससे जीरो बन रहा है, एक बटा एन स्क्वायर के कारण ये जीरो बना रही है। अब देखो पी का मान कितना है, पी का मान दो है, और ये पी का मान ग्रेटर देन वन हो गया, पी का मान ग्रेटर देन वन हो गया, तो ये वी एन आपकी अभिसारी होगी, और अभिसारी होगी तो यून भी आपके मापांक वाली अभिसारी होगी, और अभिसारी हो गई तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो सीरीज है वो क्या होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। ये आपको बताई थी ना, मापांक अगर अभिसारी है, दोनों क्वेश्चन में अभिसारी आ रहा था तो सापेक्ष था, लेकिन इसके अंदर अभिसारी आ गया तो ये क्या सीरीज होगी आपकी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। तो ये था आपका एकांतर श्रेणी, पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, वरना क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो पूरी मेहनत की है, अभी मजाक की सो बात है, पूरा हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, तो और भी क्वेश्चन नोट्स के अंदर ऐड हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। चलिए, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना। देखिए छोटा लेक्चर जरूर होगा, लेकिन आगे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना था हमें, छोटा सा टॉपिक था पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीमान इंटीग्रल हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के